अस्सलाम वालेकुम, एसकेएन किचन में आप सभी का वेलकम है। आज हम बनाने वाले हैं वेरी टेस्टी, वेरी यम्मी एंड वेरी डिलीशियस रेसिपी। हम बनाने वाले हैं वेज मंचूरियन रेसिपी, होटल से भी रेस्टोरेंट से भी अच्छा और फटाफट से बच्चे बड़े सभी को पसंद आए ऐसी रेसिपी है। तो चलिए चलते हैं बनाने प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ ले लिया है हमने एक बर्तन, बड़ा सा बर्तन ले लेंगे। यहाँ पर ले लिया है हमने 1 kg पत्ता गोभी, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है और इसका पानी जो है वो निचोड़ कर निकाल लिया है। इसमें हम ले लेंगे 1 medium size का गाजर, जिसको भी हमने कद्दूकस कर लिया है। इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच लहसुन बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ। इसमें लेंगे 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। इसमें हम डालेंगे 1 teaspoon काली मिर्च का पाउडर। इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन 1 कटोरी भरकर, यानी कि हरा प्याज। और हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 कटोरी भरकर और 1 कटोरी हम इसमें डालेंगे मैदा। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। टेस्ट के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो हमें बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करना है, ये ऐसे ही जो है डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, हम इस तरह से अब बॉल्स बना लेंगे, मंचूरियन बॉल्स। और मैदा और कॉर्नफ्लोर हमें बिल्कुल इतना ही रखना है, वरना सिर्फ खाने में मैदा ही मैदा आएगा। हमें वेज मंचूरियन खाना है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा ली थी, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें हमारे जो बॉल्स हैं उसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ बॉल्स को 2 बार फ्राई करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि इसका रंग और अंदर से जो है वो अच्छे से पक जाएगा। आप चाहे तो इसे 1 बार भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन 2 बार फ्राई करने से उसके अलग ही फायदे हैं। तो फ्रेंड्स, इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो हम फिर से तेल को जो है हाई फ्लेम पर गरम करेंगे और इसमें बॉल्स को फिर से फ्राई करेंगे। और फ्लेम को हमने हाई ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए, हम इस तरह से बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, इसका कितना अच्छा कलर आया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर ले लिया है हमने एक कढ़ाई, इसमें ले लेंगे हम 2 बड़े चम्मच ऑयल। इसमें हम ले लेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन बारीक कटी हुई। 1 बड़ा साइज का प्याज लिया है बारीक कटा हुआ। इसमें अब हम डाल देंगे 1 medium size का शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ। गैस की फ्लेम को रखेंगे हाई। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर रेड चिली सॉस, 2 बड़े चम्मच भरकर डार्क सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच भरकर डालेंगे हम केचप, 1 बड़ा चम्मच भरकर डालेंगे हम विनेगर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 teaspoon काली मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर ले लेंगे हम 1 बड़ा बाउल, इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसमें हम डालेंगे पानी और इसकी एक स्लरी बना लेंगे, एक घोल तैयार कर लेंगे और इसे हम सॉस में डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। और एक गाढ़ा सा थिक सा बैटर तैयार हो जाएगा। इसमें हम हमारे मंचूरियन बॉल्स ऐड कर देंगे। आप अगर ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप इसमें 2 कप पानी डालें, यहाँ पर हमने 1 कप पानी यूज़ किया है। अच्छे से अब हम इसे मिला लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब हमने डाल दिया है स्प्रिंग अनियन। तो हमारा रेडी हो चुका है, प्लेट पर लग चुका है हमारा वेज मंचूरियन, वेरी टेस्टी वेरी यम्मी। तो आप इसे गर्मा गर्म ही खाएं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।